गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास इलेवेंथ मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर इलेवन कोनी सेक्शन आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इलेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नाउ द क्वेश्चन नंबर टेन हीयर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट फोर कॉमा वन एंड सिक्स कॉमा फाइव एंड इज ऑन द लाइन ठीक ये इक्वेशन की है अब क्लियर वो बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द सर्कल से क्या हो रही है पास हो रही है तो हमें जब भी कोई किसी पॉइंट को हम किसी इक्वेशन से पास कराते तो हमेशा वो वैल्यू कहाँ रखते हैं एक्स और वाई की प्लेस पे राइट right? एक्स और वाई के प्लेस पे रखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है क्या तो देखिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं सोल्यूशन के लिए लेटस कंसिडर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल बी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्व टू आर स्क्वायर ये है वी नो दैट द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट फोर कॉमा वन एंड सिक्स कॉमा फाइव सो मतलब ये पॉइंट से पास हो रही है तो ये वैल्यू कहाँ रखेंगे एक बार एक्स की प्लेस पे फोर रखेंगे वाई की प्लेस पे वन फिर जब दूसरी बार पास कराएंगे तो एक्स की प्लेस पे सिक्स और वाई की प्लेस पे फाइव क्लियर तो देखिए यहाँ हो गया सबसे पहले पॉइंट पास कराया फोर कॉमा वन तो यहाँ हो गया फोर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस के का होल स्क्वायर इक्व टू आर स्क्वायर दूसरी इक्वेशन से हमने पास कराया मतलब तो दूसरे पॉइंट से सिक्स कॉमा फाइव से तो एक्स की प्लेस पे हमने रखा सिक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई की प्लेस पे रखा फाइव फाइव माइनस के का होल स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर ठीक है साथ में उन्होंने क्या बोला है कि जो सेंटर है सेंटर हमेशा क्या होते हैं एच के वो कहाँ पे इस लाइन पर है तो अगर वो पॉइंट उस लाइन पर है या प्रेजेंट है जो भी है मतलब अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर है तो वो वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं तो एक्स और वाई की जगह हम क्या रख देंगे एच के क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है सेंटर ऑन द लाइन तो देखिए सिंस द सेंटर एच कॉमा के ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन कितनी है फोर एक्स प्लस वाई टू सिक्सटीन तो एच और के इसमें रखेंगे तो एक्स के प्लेस पे हमने क्या रखा एच और और y पे हमने क्या क्या रखा k Clear? तो मतलब पहले दो से हमारे पास क्या हो गई सेकेंड आई और जब हमने सेंटर उस लाइन में अप करे तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर थ्री राइट फ्रॉम द इक्वेशन वन एंड टू वी ऑपटेन दोनों इक्वेशन किसके इक्वल दिख रही है आपको आर के तो अगर आर स्क्वायर का दोनों का आर एच एस पार्ट इक्वल है तो एल एच एस भी कैसा होगा इक्वल होगा राइट right? तो दोनों का अगर आर एच एस इक्वल है तो मैंने दोनों के एल एच एस भी क्या करे इक्वल रख दिए राइट right? अब देखिए होल स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे लगाया ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना आया देखिए ए स्क्वायर मतलब सिक्सटीन बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस टू ए बी तो टू फोर जा एट एच right? राइट तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर यहाँ लगाया अगेन ए माइनस बी का होली स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब वन प्लस बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस टू ए बी इट मीन्स माइनस टू के राइट ये हो गया लेफ्ट साइड में ए माइनस बी का होली स्क्वायर लगा दिया अब राइट साइड में भी लगाया ए माइनस बी का होली स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब थर्टी सिक्स बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब टू सिक्स ज ट्वेल्व क्लियर यहाँ पे भी मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ए स्क्वायर यहाँ पे करेक्ट कर लेना फिफ्टीन लिखा है इसको ट्वेंटी फाइव कर लेना करेक्शन ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव है प्लस बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस टू है बी तो टू फाइव या टेन के राइट करेक्ट कर लिया इसको ये हो गया अब देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसर के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसल राइट अब आपके पास क्या क्या बच रहा है सिक्सटीन माइनस एट एच इधर बचा प्लस वन माइनस टू के राइट माइनस का ट्वेल्व एच लेफ्ट साइड आया तो काय का आ गया प्लस का ट्वेल्व एच प्लस का ट्वेंटी फाइव लेफ्ट साइड आया तो माइनस का ट्वेंटी फाइव माइनस का टेन के लेफ्ट साइड आया तो काय का हो जाएगा प्लस का टेन के राइट इसको करेक्ट करना प्लस का टेन के इक्वल्स टू ज़ीरो राइट तो फाइनली कितना बचा आप देखिए ये बचा एच वाली टर्म अगर हम देखें तो प्लस का ट्वेल्व एच माइनस का एट एच कितना हो गया फोर एच प्लस का टेन के माइनस का टू के प्लस का एट के और नंबर कितने बचे हमारे पास फोर्टी फोर राइट अब इक्वेशन क्या आ रही है पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया हमने एच से राइट फोर से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया एच प्लस टू के टू इलेवन ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर फोर अब इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर में हम क्या कर देंगे अप्लाई एलिमिनेशन एलिमिनेशन अप्लाई कर दिया तो देखिए एलिमिनेशन अप्लाई करने पे दोनों को सॉल्व करा तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आई थ्री और के की वैल्यू कितनी आ गई फोर ये एच और के हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर सकते ताकि हमें आर मिल जाए तो हमने कहा अप कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो देखो फोर माइनस एच था तो मैंने लिख दिया फोर माइनस थ्री का होली स्क्वायर फिर है वन माइनस के का होली स्क्वायर तो यहाँ लिखा वन माइनस फोर का होली स्क्वायर राइट वन मा फोर माइनस थ्री इट मीन्स वन वन माइनस फोर मतलब माइनस थ्री वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन मतलब टेन टेन मतलब आर हो गया अंडर उन कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सो so, यहाँ लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स माइनस थ्री का होली स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होली स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टेन का स्क्वायर अब हमें क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे ओपन करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म से ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और रूट टेन का स्क्वायर टेन राइट अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा फिर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई और फिर नाइन और सिक्सटीन कितना हो गया इसको करेक्ट करना ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो राइट तो हम लिखेंगे देअर फॉर द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इक्व टू जीरो और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारे पास क्या गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर टू कॉमा टू एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट फोर कॉमा फाइव अब आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें फाइंड करनी है तो मिनिमम दो चीज़ें चाहिए सेंटर और रेडियस सेंटर गिवन है हाँ मतलब कुल cool मिला के अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है रेडियस तो सबसे पहले हमारे पास जो भी कंडीशन गिवन है हम वो नोट डाउन करेंगे सोल्यूशन गिवन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन एज एच कॉमा के इक्वल्स टू टू कामा टू ये गिवन है सेंटर वी नो देट दर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट फोर कामा फाइव एंड द रेडियस आर ऑफ द सर्कल इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू कामा टू एंड द फोर कामा फाइव मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर ये दिया है राइट और वो क्या बोल रहा है कि वो सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है मतलब वो पॉइंट यहाँ तो यहाँ तक की डिस्टेंस ही हमारे लिए क्या कहलाएगी तो जब हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो फाइनली हमारे लिए क्या रहेगी रेडियस का, का काम करेगी मीनिंग समझ में आया कि ये सर्कल है ये सर्कल का सेंटर है राइट और वो बोल रहे कि ये जो पॉइंट है सर्कल इससे पास हो रहा है तो डेफिनेटली सर्कल पे ही होगा तभी तो पास हो रहा है राइट अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वैसे हमारे लिए क्या रहती है रेडियस तो अदर वे में जाकर अगर हम देखें तो इन दो पॉइंट के बीच की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारे लिए किसका काम करेगी रेडियस का तो फाइनली हम रेडियस कैसे निकालेंगे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे, वही हमारे लिए होगी रेडियस तो देखिए आर इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होली स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होली स्क्वायर यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है तो यहाँ अंडर रूट में यहाँ हो जाएगा टू माइनस फोर का होल स्क्वायर मतलब माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस फाइव का होल स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो गया फोर प्लस नाइन अंडर रूड थर्टीन ये क्या हो गई आर की वैल्यू तो हमें क्या फाइंड करनी है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन एस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्व टू आर स्क्वायर अब इसमें हम क्या क्या रखेंगे एच रखेंगे देखिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होली स्क्वायर और आर स्क्वायर के प्लेस पर लिखा अंडर रूट थर्टीन का स्क्वायर होली स्क्वायर ओपन करा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और थर्टीन का स्क्वायर कितना हो गया थर्टीन अंडर रूट थर्टीन का स्क्वायर थर्टीन हो गया राइट इसको अरेंज कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लिखा माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई प्लस एट इधर जाके माइनस एट इट मीन्स क्या बचा फाइव और ये क्या हो गया आपके लिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डज द पॉइंट माइनस टू पॉइंट फाइव कॉमा थ्री पॉइंट फाइव लाई इन साइड या आउट साइड ऑन द सर्कल जिसमें है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू ट्वेंटी फाइव तो वो बोल रहे कि एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और कोई पॉइंट दिया है वो कहाँ पर है सर्कल का सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे सेंटर जब उस पॉइंट की डिस्टेंस हम निकालेंगे तो वो डिस्टेंस अगर रेडियस से बड़ी आती है रेडियस से बड़ी आएगी तो पॉइंट कहाँ पर है आउटसाइड रेडियस के बराबर आएगी इट मीन्स कहाँ पर है सर्कल पे। और रेडियस से छोटी आती है मतलब वो पॉइंट कहाँ है इनसाइड क्लियर तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है सेंटर जैसे ही सेंटर आ जाए उसकी इस पॉइंट से क्या निकालेंगे डिस्टेंस तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस छोटी है बड़ी है या बराबर क्लियर अगर डिस्टेंस छोटी आती है रेडियस से तो पॉइंट अंदर है अगर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी आती है मतलब पॉइंट बाहर है और अगर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ गई मतलब सर्कल पर है तो फाइनली मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है सेंटर और उसके बाद डिस्टेंस राइट तो सॉल्यूशन हमारे पास है गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्स वाई स्क्व टी फाइव राइट अब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे x minus 0 का whole square plus y minus 0 का 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 और इस से हम क्या करेंगे इससे कंपेयर इस करा तो देखिए एच की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ जीरो के की वैल्यू कितनी हो गई जीरो और आर स्क्वायर मतलब आर कितना हो गया फाइव मतलब फाइनली मुझे सेंटर क्या मिल गया जीरो कॉमा जीरो अब हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस सो द डिस्टेंस बिटवीन माइनस टू पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव एंड द सेंटर जीरो कॉमा ज़ीरो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है डिस्टेंस पी ले ली सपोज अंडर रूड में एक्स टू माइनस एक्स वन का होली स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होली स्क्वायेर तो देखिए माइनस टू पॉइंट फाइव का होली स्क्वायेयर करा तो सिक्स पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर करा तो हमारे पास कितना आया right? तो तो कि तो तो हमने लिख दिया फोर पॉइंट थ्री समथिंग राइट लेकिन यहाँ रेडियस कितनी है फाइव है और ये कितना आ रहा है फोर पॉइंट थ्री मतलब रेडियस से कैसी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है छोटी इट मीन तो ये पॉइंट कहाँ होगा अंदर की साइड तो हम लिखेंगे सिंस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट माइनस टू पॉइंट फाइव माइनस थ्री पॉइंट फाइव एंड द सेंटर इज जीरोम जीरो ऑफ़ द सर्कल इज लेस देन द रेडियस लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल तो पॉइंट जो है वो कहाँ पर है इन है यहाँ पर ये कट गया है ये वाला वर्ड तो यहाँ पे लिखना पॉइंट का है फाइनली इन साइड अंदर की तरफ है क्यों क्योंकि रेडियस से छोटी आई कभी ये वैल्यू फाइव से बड़ी आती तो हम क्या लिखते हैं आउटसाइड और अगर फाइव ही आ जाती तो हम क्या लिख देते पॉइंट ऑन द सर्कल क्लियर तो अभी हमारी रेडियस कैसी है फाइव से छोटी है हमारी डिस्टेंस जो है वो फाइव से छोटी है इसलिए पॉइंट कहाँ हमारे पास इनसाइड है थैंक यू